बैक टू माई चैनल और आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और आज मैं बाहर आई हूँ मेरे स्कूल के दोस्तों को मिलने के लिए और मैं ये कैफ़े में पहुँच चुकी हूँ और वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आज भी लेट हो गई थी और फाइनली मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। यहाँ कितना अच्छा मिरर है, वहाँ दूर है, दिख रही है। हम लोग जो सेम स्कूल में पढ़े हैं और मेरी शादी होने के बाद एक बार मिले थे और ये हमारा दूसरी बार मिलना है और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, थैंक यू फॉर कैमरा। हम बहुत सारे लोग मिलने वाले थे पर अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई नहीं है। हमने डिसाइड किया था कि हम सब मिलेंगे इस बार काठमांडू में, ग्रुप में ग्रुप बना के हम सब मिलने वाले थे, पर जब मैं यहाँ आई हमारी प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे अभी कोई नहीं है सिवाय पूर्णिमा। और तो चलिए अब यहाँ मेरे से चार जाना मात्र देखना है। तो हाँ अभी कुछ ऑर्डर किया है, हम लोग खाएंगे, इंजॉय करेंगे। कल का वीडियो बहुत लंबा हो गया था क्योंकि मैंने घर से स्टार्ट किया था, इसलिए मैंने आज डिसाइड किया कि मैं यहीं आके ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। सो आगे जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सच बताओ तो मैं बहुत एक्साइटेड और नर्वस फील करूँ, मेरा हाथ शेक कर रहा है। अहिले चाहिँ हामीहरू मोमो खाँदैछ, हाम्रो मोमो खाँदैछ पर सबैजनाले मिस गरेर खाँदैछ, पर भिडियो देखेर आँखा नलगाउनु हाम्रो पेरेन्ट्सलाई। हाँ एकदम तिमीहरूलाई मिस गरिरहेछ मेरो सबैजनालाई। अनि नेक्स्ट टाइम अनि नेक्स्ट टाइम चाहिँ सबैजना भेट्नुपर्छ ल। अनि सबैजनाले टाइम मिस यु सो मच गाइस। जब स्कूल छूट जाता है तब हमें रियलाइज़ होता है कि वो हमारे लाइफ के बेस्ट दिन हुआ करते थे और वैसे दोस्त हम फिर कभी बना ही नहीं पाते। आज हम लोग स्कूल छूट जाने के बाद सभी जना अपने अपने लाइफ में इतने बिजी है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। हम आज भी वैसे ही बातें करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, मिलते हैं ये वो, पर जब हम एक्चुअल में मिलने वाले होते हैं तब हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है। और ये ऐसे ही कुछ टाइम था मेरे लाइफ में और मैं इस टाइम को बहुत मेमोरेबल बनाना चाहती थी, जो कि हम जब मिले हमारे जब हम मिले तो हमारी लाइफ की कुछ पर्सनल बातें हम लोग शेयर करने लगे। बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं कैमरा में कैप्चर नहीं करना चाहती थी। जितने भी हमारे दोस्त थे जो ये इस वीडियो और इस फोटो में मिसिंग है, हम उन सबको बहुत मिस कर रहे थे उस टाइम पे। और जब हम बहुत टाइम के बाद अपने स्कूल वाले दोस्तों से मिलते हैं वो बहुत बेस्ट वाली टाइम होती है क्योंकि हम फिर से वो स्कूल वाली लाइफ जीते हैं, भले ही कुछ टाइम के लिए पर बहुत अच्छे होते। मेरे सारे स्कूल के दोस्तों के लिए मैं कुछ दो लाइन बोलना चाहती हूँ। हजारों दोस्त आए और हजारों दोस्त गए, लेकिन वो स्कूल वाले दोस्त आज भी याद आते हैं। फिर से काश वही तकदीर मिल जाए, जिंदगी के वो सारे हंसी पल मिल जाए, बैठ चले फिर से क्लास की लास्ट बेंच पर, क्या पता शायद वो पुराने दोस्त मिल जाए। मैं तुम लोगों को बहुत याद करती हूँ यार, हमारी दोस्ती थी, है और हमेशा रहेगा। आई मिस यू गाइस। हमारा पार्टी ख़त्म हो गया है और जाने का मन तो नहीं था पर अभी जाना पड़ेगा क्योंकि टाइम हो गया है हमारा जाने का और हमने बोला कि फिर से हम मिलेंगे। ये रहे ये दोनों। मैं आने में लेट हो गई थी
और ये लोग सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली 2-3 घंटा हम लोगों ने बहुत सारे बातें किया, बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले, वीडियोस बनाया, जो कि मैं आज शाम को शेयर करूँगी। ये वीडियो कल आएगा एंड बहुत अच्छा लगा इतने टाइम के बाद मिलने के बाद, 9 साल बाद सच्ची हुए उससे तो 9 साल के बाद ही मिला है। और इन लोगों को हिंदी अच्छे से समझती है पर हाँ हिंदी उतना नहीं बोल पाएंगे, पर ठीक है हम फिर मिलेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे और बहुत सारे वीडियो बनाएंगे एंड हाँ बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस वीडियो को मैं इधर तक ही रखती हूँ, मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।